हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डीसी की जो मशीन्स हैं वो डीसी सीरीज मोटर सॉरी डीसी सीरीज मशीन क्या होती हैं, डीसी शंट मशीन क्या होती हैं और डीसी कंपाउंड मशीन क्या होती हैं। डीसी कंपाउंड के केस में हमने पढ़ा कि डीसी कंपाउंड में आपके शॉर्ट शंट था और डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड था। डीसी शॉर्ट शंट एंड डीसी लॉन्ग शंट, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से अगर सीरीज फील्ड और ये पैरेलल में रहती हैं दोनों, तो ये लॉन्ग शंट था, और अगर ये सिर्फ इसके पैरेलल में रहता है और ये सीरीज फील्ड अलग रहती है तो ये शॉर्ट शंट था। फाइन, सो देर इज़ वन मोर डिफरेंशिएशन अबाउट डीसी कंपाउंड। वी हैव अगेन टू टाइप्स ऑफ डीसी कंपाउंड। वन वी कॉल्ड कॉमुलेटिवली कंपाउंड या कॉमुलेटिव कंपाउंड, या सेकेंड वन इज डिफरेंशियल कंपाउंड। कॉमुलेटिव कंपाउंड एंड डिफरेंशियल कंपाउंड। अब ये क्या होता है, जनरली क्या होता है, जो कंपाउंड मशीन है इन कंपाउंड मशीन द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय शंट फील्ड इज इज स्ट्रॉन्गर देन द सीरीज फील्ड। अब ये दो फील्ड है हमारे पास, ये किस तरह से कनेक्टेड होती है हमने देख लिया शॉर्ट एंड लॉन्ग शंट में। लेकिन जब हम इन मशीन को कॉमुलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड की कैटेगरी में डालेंगे, सो वो हम देख लेते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड होती है, ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ अ मशीन शंट मशीन है, इसकी मैं फील्ड यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ लाइक दिस। सो यहाँ पे ये मेरी सीरीज वाइंडिंग है, ये मेरी शंट वाइंडिंग है, राइट। एक डायग्राम ये है, ठीक है, और दूसरा डायग्राम जो मैं ड्रॉ करता हूँ वो इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। राइट, सो इन दोनों डायग्राम में मैं क्या डिफरेंस है, नाउ यू शुड सी। पहली मशीन में अगर आप देखें तो जो सीरीज फील्ड है और जो शंट फील्ड है उनमें करंट की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, राइट। सो करंट की जगह एक ही डायरेक्शन में करंट है, तो अब ये क्या आ रहा है, सीरीज फील्ड जो है इट एड्स द शंट फील्ड फ्लक्स। अब ये सीरीज फील्ड शंट फील्ड फ्लक्स को एड कर रही है, मतलब बढ़ा रही है उसको, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, जो एयर गैप फ्लक्स है, देयर फोर एयर गैप फ्लक्स जो है, दैट मीन्स एयर गैप फ्लक्स मीन्स पोल और रोटर के बीच में, दिस इज एयर गैप फ्लक्स। सो दैट मीन्स द एयर गैप फ्लक्स इंक्रीजेस, राइट। अब यहां पे क्या हो रहा है, नाउ दिस इज सीरीज एंड दिस इज शंट। अब यहां पे क्या हो रहा है, शंट फील्ड का करंट इस डायरेक्शन दिखाया गया और सीरीज फील्ड का करंट इस पर। तो अब क्या हो रहा है कि जो सीरीज फील्ड का फ्लक्स है वो इज अपोजिंग
शंट फील्ड फ्लक्स, तो जब ये अपोज कर रहा है इसका मतलब देयर फॉर एयर गैप फ्लक्स डिक्रीज, राइट। सो अगर ये एयर गैप फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, दिस इज बेसिकली योर कम्युलेटिव कंपाउंड एंड दिस इज योर, जहां पे आपका एयर गैप फ्लक्स जो है डिक्रीज हो रहा है, दैट इज योर डिफरेंशियल कंपाउंड। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी सीरीज मशीन एंड अ कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी सीरीज मशीन। ओके।